देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि स्तूपों का निर्माण कैसे, इनकी संरचना कैसी होती थी। जिसे देखो क्या है कि हमारा जो हिंदू धर्म है उसमें मंदिर तीन तरह से बनते हैं। साउथ इंडिया में जितने भी मंदिर होते हैं, ठीक है, वो कैसे बने होते थे? साउथ इंडिया के मंदिर जो बने होते थे ऊपर फ्लैट होता था। कोई भी मंदिर आप देख लो उसको द्राविड़ शैली कहा जाता है, ठीक है, ऊपर फ्लैट होगा। जैसे मान लो ये मंदिर हो गया, ठीक है, ये जैसे मंदिर हो गया तो ऊपर है ना इस तरह का फ्लैट रहेगा। और हम लोग के यहाँ दुर्गा मंदिर जो आसपास मंदिर देखते हैं तो हम लोग की तरफ नॉर्थ इंडिया में जो मंदिर होते हैं ऐसे ऊपर उसका तिकोना होता है, ठीक है। और वेसर शैली मतलब कि वहां पर दोनों का मिक्स रूप। उड़ीसा में जैसे जगन्नाथ जी का मंदिर है और भी मंदिर है तो वहां पे दोनों शैलियों का मिश्रण दिखता है, ठीक है। तो ना तो वो पूरे चौरस है और ना बिल्कुल तिकोने हैं, ठीक है, मतलब दोनों का मिलता जुलता रूप है। लेकिन यहाँ बौद्ध स्तूप की अगर हम बात करें तो जो बौद्ध स्तूप बनते थे उनका ऊपर जो होता था वो गुंबद के जैसा होता था, गोलाकार होता था, जैसे मस्जिद में कैसे होता है इस तरह से होता था उनका। देखिए, स्तूप संस्कृत के शब्द से लिया गया। स्तूप का मतलब होता है टीला, टीला समझते, मिट्टी का कोई टीला होगा तो ऊपर तो ऐसे ही गोलाकार ही होगा। का जन्म एक गोलार्ध लिए हुए मिट्टी के टीले से हुआ जिसे बाद में अंड कहा गया। धीरे धीरे इसकी संरचना ज्यादा जटिल हो गई जिससे कई चौकोर और गोल आकार वाले गोलाकार का बनाया जाने लगा। अंड के ऊपर हर्मिका होती थी, यह छज्जे जैसा ढांचा देवताओं के घर का प्रतीक था। हर्मिका के एक मस्तूल निकलता था, इसे यष्टि कहते थे, जिस पर अक्सर एक छतरी लगी होती थी। टीले के चारों ओर एक वेदिका होती थी जो पवित्र स्थल को सामान्य दुनिया से अलग करती थी। देखो मैं आपको ना ये पूरा का पूरा दिखा देता हूँ, इसमें ये स्तूप आपको दिख रहा होगा, अपनी बुक में भी देख सकते हैं सर। ये जो था ऊपर वाला, ये था हर्मिका, इस पे स्तूल लगा हुआ है, ये देख रहे हैं। और ये पूरा का पूरा ये टीला था, ये गुंबद अर्धगोलाकार गुंबद था, ये समझ रहे हैं। चारों ओर वेदिक, एक सेकंड शुरू से मैं फिर से दिखाता हूँ। स्तूप जो था इसकी अंड के ऊपर एक हर्मिका होती थी, अंड मतलब पूरा गोलाकार जो रूप होगा उसके ऊपर हर्मिका, जो छज्जे जैसा मैंने दिखाया भी आपको, ठीक है। और जो देवताओं के घर का प्रतीक, हर्मिका से एक मस्तूल निकला होता था, डंडा जैसा ऊपर पोल जैसा निकला होता था जिसे यष्टि कहते थे, ठीक है, जिसे अक्सर एक छतरी लगी होती थी। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, ये जो बिल्डिंग जैसा या जो प्लेटफॉर्म जैसा दिख रहा है ये है आपका हर्मिका। हर्मिका से ये मस्तूल निकला हुआ है जिसके ऊपर देखो छतरी लगी हुई है, छाता जैसा लगा हुआ है, लगा है ना। तो इसको क्या कहते थे? यष्टि। इस छाते वाले को यष्टि कहते थे और इस वाले को, ये जो प्लेटफॉर्म जैसा बना है छज्जा जैसा, इसको हर्मिका कहते थे। ये सबसे ऊपर बना होता था, क्लियर है, ये पेपर में आता है याद रखिए, हर्मिका क्या है, यष्टि क्या है। और चारों ओर एक वेदिका होती थी, चारों ओर वेदिका का मतलब टीले के चारों ओर एक वेदिका, मतलब कि चारों तरफ बाउंड्री होती थी, समझ रहे हैं ना। ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये जो पूरा का पूरा टीला है ये आपको बाउंड्री दिख रही होगी, ये बाउंड्री दिख रही है ना, ये वाली जो बाउंड्री है ये क्या करती थी कि बाहरी दुनिया से इस पूरे के पूरे स्तूप को अलग करती थी, ठीक है। तो वेदिका मतलब ये बाउंड्री, हर्मिका मतलब कि पूरे गोलाकार जो गुंबद था उसके ऊपर जो प्लेटफॉर्म बना हुआ था छज्जे जैसा, ठीक है, और सबसे ऊपर जो डंडा लगा था जिसमें छतरी लगी थी उसको कहते थे यष्टि, यष्टि हर्मिका वेदिका, समझ में आ गया। आगे चलिए, स्तूपों की खोज, आखिरी स्तूप की खोज कब हुई कैसे भी ये देखेंगे हम। अमरावती और सांची की नियत, सबसे पहले अमरावती और सांची की स्तूपों को खोजा गया किस तरह से, देखो 1796 में, 1796 की बात है, स्थानीय राजा को जो मंदिर बनाना चाहते थे अचानक अमरावती की स्तूप के अवशेष मिल गए। उन्होंने इसके पत्थरों के इस्तेमाल करने का निश्चय किया। उन्हें ऐसा लगा कि छोटी सी पहाड़ी में संभवतः कोई खजाना छुपा हो। ये टीला है तो एक पहाड़ी जैसा ही हो गया, सदियों से उसमें मिट्टी जमी होती है, पत्थर पड़ते गए तो ऊपर अंदर जो था वो दबा रह गया, ऊपर एक टीले जैसा था। तो राजा ने सोचा कि यहाँ से खुदाई में
अलग अलग तरह की ईंट पत्थर मिल रहे हैं, तो हो सकता है इसके अंदर कोई खजाना भी छिपा हुआ। तो उसने क्या किया, कुछ वर्षों बाद कॉलिन मैकेंजी नामक एक अंग्रेज अधिकारी इस इलाके से गुजरे। उन्होंने कई मूर्तियां पाई और उसका विस्तृत चित्रांकन भी किया, लेकिन उनकी रिपोर्ट कभी छपी नहीं। तो अमरावती स्तूप की सबसे पहली खोज मैकेंजी ने की। आगे क्या हुआ, 1854 बहुत सालों बाद कुंटूर के कमिश्नर ने अमरावती की यात्रा की, ठीक है, अमरावती की यात्रा की। उन्होंने कई मूर्तियों और उत्कीर्ण पत्थर जमा किए और वे उन्हें मद्रास ले गए, ठीक है। उन्होंने पश्चिमी तोरण द्वार को भी खोज निकाला और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अमरावती का स्तूप बौद्धों का सबसे विशाल और शानदार स्तूप था। तो 1854 में गुंटूर का जो कमिश्नर था, आंध्र प्रदेश में अमरावती पड़ता है, उसकी भी नई राजधानी बना, तो उसी को उसने ये बोला कि जितने भी बौद्ध स्तूप पूरे भारत में मिले हैं, इनमें सबसे बड़ा और सबसे विस्तृत जो है वो ये। 1850 के दशक में अमरावती के उत्कीर्ण पत्थर अलग अलग जगहों पर ले जाए जा रहे थे। कुछ पत्थर कलकत्ता के एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पहुंचे, तो कुछ मद्रास में इंडिया हाउस, मद्रास, कलकत्ता, बंगाल, इस हर जगह यहाँ से लोग मूर्तियां ले लेके जाने लगे, म्यूजियम में रखने लगे। कुछ पत्थर तो लंदन तक पहुंच गए। कई अंग्रेज अधिकारियों के बागों में अमरावती की मूर्तियां पाना कोई सामान्य बात नहीं थी। वस्तु तो इस इलाके का हर नया अधिकारी यह कहकर कुछ मूर्तियां उठा ले जाता था कि उससे पहले के अधिकारियों ने भी ऐसा किया। अब अंग्रेज अधिकारी अपने गार्डन में, अपने बागीचे में, अपने घरों में भी मूर्तियां रखने लगे, तो धीरे धीरे अमरावती से चीजें गायब होने लगी। समझ रहे हैं? देखो, अब यहां एक सवाल ये भी उठता है, अमरावती तो रहा नहीं, उससे सारे जितने भी मूर्तियां जो भी अवशेष से सब ले जाएगा, ठीक है, लेकिन सांची बच गया। क्यों बच गया, मैंने पढ़ाया था, क्योंकि सांची में जो वहां की बेगम थी, शाहजहां बेगम, है ना, शाहजहां बेगम ने कहा था कि यहां से कोई चीज आप लेके नहीं जा सकते, आप बेसक स्टडी करो, जो पढ़ना है जो भी करना है, यहाँ पर मैं खर्च दूंगी, यहाँ म्यूजियम बनाओ, यहाँ पर ही चीजों करो। इसलिए सांची का स्तूप जैसे का तैसा बचा रहा, सारी चीजें रह गई, लेकिन अमरावती की का स्तूप नहीं बचा, वहां की सारी चीजें लोग लेके चले। क्लियर है? मूर्ति कला, अब अगर हम मूर्ति कला की बात करें तो वो क्या था, पहले तो पत्थर की गढ़ी कथाएं, जितने भी स्तूप थे, जैसे यहां पर ये सांची का स्तूप का ये जो पिक्चर बना हुआ, ये वाला देख रहे हैं आप, बिल्कुल। अब जब सबसे पहले पेज पे सांची स्तूप निकालना, जरा जल्दी से सबसे पहले पेज पे जाइए इसका, हाँ, इसी चैप्टर के फर्स्ट पेज, हाँ, वो देखो इसके फ्रंट पे, वो देख रही है आपको वो एक गेट जैसा, तोरण द्वार, मतलब कि मेन गेट, दरवाजा, ये द्वार बनाते हैं, ठीक है, और उसको ज्यादा से ज्यादा गोद करके तरह तरह की मूर्तियां पत्थरों में उकेर करके बनाई जाती थी उनको, ठीक है। तो पत्थर में गढ़ी कथाएं, मतलब कि जो भी बौद्ध धर्म से रिलेटेड कथाएं थी, महात्मा बुद्ध के जीवन से रिलेटेड कथाएं थी, उनको तोरण द्वारों पे या वेदिकाओं पर, बाहर की जो बाउंड्री होती थी या तो उस पर, और नहीं तो तोरण द्वार जो मेन गेट होता था, ठीक है, इस पर ये उकेरा जाता था, गोद गोद के बनाया जाता था, और ये कथाएं, सारी कथाएं इसमें शामिल थी, सारी कथाओं को एक पिक्चर के रूप में प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। अब ये जो सारी की सारी कथाएं, इसे विषांतर जाक्तस के लिया गया एक दृश्य बताते हैं। यह कहानी एक ऐसे दानी राजकुमार के बारे में है जो तोरण द्वार पर है। वो पूरी जो मूर्तियां है ना, किसी कहानी से जोड़ करके बनाया गया था। वो जो कहानी थी वो किसकी थी, एक राजकुमार था, दानी राजकुमार, उसके बारे में, जिसने अपना सब कुछ एक ब्राह्मण को सौंप दिया और स्वयं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जंगल में रहने चला गया। जैसा कि इस उदाहरण से स्पष्ट है, अक्सर इतिहासकार किसी मूर्ति कला की व्याख्या लिखित साक्ष्यों के साथ तुलना के द्वारा, ठीक है, कोई भी जो कहानी है और जो मूर्ति है, तो मूर्ति देख करके आप उसको कंपेयर कर सकते हो ना कि इसी के बारे में ये मूर्ति बनाई गई है, ठीक है। उपासना के प्रतीक, अब उपासना के प्रतीक मतलब कि पूजा पाठ का प्रतीक, कौन कौन सी ऐसी मूर्तियां थी जिससे पता चलता है कि उसकी पूजा पाठ की जाती थी। अब देखो,
आपको पता है कि बौद्ध मूर्ति कला को समझने के लिए कला इतिहासकारों को बुद्ध के चरित्र लेखन के बारे में समझ बनानी पड़ी। बौद्ध चरित्र लेखन के अनुसार एक वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो अब जो भी बौद्ध स्तूप मिला वहां पे एक वृक्ष, बौद्ध वृक्ष का तस्वीर बनाया गया, माने कि गोद करके मूर्ति बनाई गई। तो समझ में आ गया कि पूजा के लिए बनाया गया था। कई प्रारंभिक मूर्तिकारों ने बुद्ध को मानव रूप में दिखाकर उनकी उपस्थिति प्रतीकों के माध्यम से दर्शाने का प्रयास किया है। उदाहरण के लिए बुद्ध को ध्यान की दशा, देखो यहाँ चित्र नंबर 4.4.14 देखो पहला, इसमें बुद्ध को ध्यान की मुद्रा में, सॉरी ये रिक्त स्थान है, यहाँ पर देख रहे हो ना वो जगह बीच में खाली है। पहली मूर्ति देखो वहां पे वो कॉर्नर वाली, तो वहां पे ये रिक्त स्थान है जो बताता है ये बुद्ध के रहने की जगह है, बुद्ध का जगह वहां खाली रखा गया है। दूसरा, बुद्ध के ध्यान की मुद्रा दिखाई जा रही है यहाँ पे, बुद्ध माता बुद्ध ध्यान की मुद्रा में बीच वाले में। तीसरे वाले में जो दिखाया गया है वो ये दिखाया गया है कि महापरिनिर्वाण का प्रतीक बताया गया है कि यहाँ पे बुद्ध को महापरिनिर्वाण मतलब कि मोक्ष की प्राप्ति हो। ठीक है, तो हाँ उसी में चक्र का भी माता बुद्ध बीच में होंगे, इसमें पता नहीं इतना छोटा बना रखा है, चारों तरफ से सब लोग इसमें घिरे हुए हैं, समझ रहे हो ना। बीच वाले में तो है, पहले वाले पिक्चर में तो कोई है ही नहीं, दूसरे वाले में सेंटर में एक आदमी आपको दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद महात्मा बुद्ध आपको फिर तीसरे वाले में सेंटर में दिख रहे हैं जिसमें कि महापरिनिर्वाण की बात की, सब लोग बैठे हुए हैं और वो समाधि में, बात समझ रहे हैं। नहीं नहीं 4.15 एक सेकंड, दाई और नीचे से दाई, ठीक, तो यही तो है चित्र 4.14, यही तो है, यही तीनों पिक्चर है। देखिए मेरी बात सुनो, जो पहला 4.14 पहला जो चित्र है उसमें ये दिखाया है रिक्त स्थान, ठीक है, मतलब यहाँ कोई नहीं। ठीक है, दूसरा जो बुद्ध के ध्यान की दशा को दिखाया जा रहा है, बुद्ध ध्यान की दशा में है वहां पर दूसरे चित्र में है और सब लोग उस चीज को मान के उनकी पूजा कर रहे हैं। तीसरे में बुद्ध को महापरिनिर्वाण मिल गया है के प्रतीक के रूप में दिखाया गया इस स्तूप को, बस समझ रहे हैं। आगे देखिए, फोल्डर का कर ले गए थे क्या? इसको कंप्लीट करना है तुम्हारे पास वीडियो। ठीक है, अब मैं देखो आपको बता रहा हूं, चक्र का भी प्रतीक के रूप में प्राय इस्तेमाल किया गया था, चक्र का, ठीक है, किया गया था। यह बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिए गए पहले उपदेश का प्रतीक था। जो चक्र था, चक्र देख रहे हैं ना, चक्र जो दिख रहा है पहले वाले, माता बुद्ध ने जो पहला धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं उसको, पहला उपदेश जो महात्मा बुद्ध ने दिया था सारनाथ मतलब वाराणसी में, उसको धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता था। यह बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिए गए पहले उपदेश का प्रतीक था। जैसा कि स्पष्ट की मूर्ति कला को अचर्षण नहीं समझा जा सकता, उदाहरणतः पेड़ का तात्पर्य केवल पेड़ ही नहीं था वरन यह बुद्ध के जीवन की घटना का प्रतीक भी था। ऐसे प्रतीकों को समझने के लिए जरूरी है कि इतिहासकार कलाकृतियों के निर्माताओं की परंपराओं को, कहने का मतलब है जिन्होंने ये मूर्तियां बनाई हैं वो क्या सोच के बनाई है या वो किस चीज में विश्वास करते थे। अब मान लो किसी हिंदू ने अगर मूर्ति बनाई है तो निश्चित रूप से किसी हिंदू धर्म देवी देवता की बनाई होगी, मुस्लिम की तो बनाई नहीं होगी, ईसाई की तो बनाई नहीं होगी। तो ये अगर हमको पता हो जाए तो हम लोग अनुमान लगा सकते।
अब लोक परंपराएं मूर्तिकला में कैसे दिखती थी वो देखिए कि सांची में उत्कीर्ण बहुत सी अन्य मूर्तियां शायद बौद्ध मत से जुड़ी नहीं थी। इनमें कुछ सुंदर स्त्रियों की मूर्तियों में उत्कीर्ण है जो तोरण द्वार के किनारे एक पेड़ पकड़कर झूलती हुई दिख रहा है आपको पिक्चर में। पेस्ट ऑन करो बेटा, ये फ्रंट वाला जो है, ऊपर ऊपर वाला जो पिक्चर है, ठीक है। सांची का स्तूप का जो तोरण द्वार मैंने दिखाया था ना आपको, तो वहां पर इस तरह की, अभी महात्मा बुद्ध के धर्म से तो कोई रिलेटेड नहीं है, ठीक है। शुरू शुरू में विद्वान इस मूर्ति के महत्व के बारे में थोड़े असमंजस में थे, नहीं समझ पा रहे थे कि बौद्ध धर्म से कैसे जोड़ा जाए, ठीक है। इस मूर्ति का त्याग और तपस्या से कोई रिश्ता नजर तो आ नहीं रहा है, ये तो कति मजे में झूल रही है बेचारी, ठीक है। लेकिन साहित्यिक परंपराओं के अध्ययन से वो समझ पाए कि संस्कृत भाषा में वर्णित साल भंजिका की मूर्ति, ठीक है, साल भंजिका। अभी साल भंजिका कौन थी? लोक परंपराओं में माना जाता था किसी स्त्री द्वारा छुए जाने से वृक्षों की फूल खिल उठते थे और फल होने लगते थे, ठीक है। ऐसा लगता है कि यह शुभ प्रतीक माना जाता था, इस कारण से स्तूप के अलंकरण में प्रयुक्त हुआ या तोरण द्वार पे इसको बनाया गया। जैसे मान लो कोई चीज अगर ज्यादा लकी होती है तो हम लोग दरवाजे पे लगा देते हैं, शुभ या लाभ का लगा देते हैं, तो साल भंजिका की मूर्ति भी ऐसे ही मानी जाती है। साल भंजिका की मूर्ति से पता चलता है कि जो लोग बौद्ध धर्म में आए उन्होंने बुद्ध पूर्व और बौद्ध धर्म से इतर दूसरे विश्वासों, प्रथाओं, धारणाओं से बौद्ध धर्म को समृद्ध किया। आगे भी जो लोग आए उन्होंने बौद्ध धर्म को और आगे बढ़ाया है, ठीक है। सांची की मूर्तियों में पाए गए कई प्रतीक या निश्चय ही इन्हीं परंपराओं से उभरे थे। उदाहरण के लिए जानवरों के कुछ बहुत खूबसूरत उत्कीर्ण यहाँ पाए गए हैं, इनमें हाथी, घोड़े, बंदर, गाय, बैल शामिल हैं। हालांकि सांची में जातकों से ली गई जानवरों की कई कहानियां हैं, ऐसा लगता है कि जहां पर जातक मतलब महात्मा बुद्ध से जुड़ी हुई जो कहानियां थी उनको जातक नामक किताब में रखा गया, याद रखिए, ठीक है। तो हालांकि सांची में जातकों से ली गई जानवरों की कई कहानी, जातक मतलब महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी कहानी कथाएं, कुछ खा के आया हो क्या यार? अब इसका क्या मतलब? जीवन से जुड़ी कथाएं, देखो यहाँ पे जानवरों की तस्वीरों को क्यों बनाया गया ये भी सोचने वाली बात। हाथी को शक्ति का और ज्ञान का प्रतीक माना जाता था, इसलिए हाथी को मैंने अंडरलाइन कर रखा, हाथी को शक्ति और ज्ञान का प्रतीक माना जाता था। इन प्रतीकों में कमल दल, इन प्रतीकों में प्रतीकों में कमल दल और हाथियों के बीच एक वह बुद्ध के जीवन की घटना का प्रतीक था। ऐसे प्रतीकों को समझ, सॉरी पूरा कर रखा है नहीं, कैसे है कोई बात अभी वन सेकेंड। रहने देते हैं, इनको भी पढ़ाना है, ठीक है, पहले पढ़ सकते।